पूज्य गुरुदेव श्री प्रभु जी नागरिक महाराज साहब, हमारे अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर श्री जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी दोतरसा जी, पंचायत मंत्री भाई रमेश मीणा जी, हमारे खान व गोपालन विभाग के मंत्री, आज के आयोजन के प्रमुख कार्यकर्ता प्रमोद जैन भाई जी, श्री उन्मिला जैन भाया जिला प्रमुख, रामचंद्र जी मीणा साहब अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, पवनचंद जी मेघवाल साहब विधायक पारा, निर्मला जी चहरिया विधायक किशनगंज, राजेंद्र जी यादव और विपिन वानखड़े जी विधायक मध्य प्रदेश, प्रदीप जी राठौर साहब मुंबई, सुरेश भाई अहमदाबाद, सुखराज जी नार साहब मुंबई, कल्पेश भाई अहमदाबाद, रमेश जी मुथा नाकोड़ा जी तीर्थ, पटिया जी मुंबई और दिनेश जी दिल्ली, प्रकाश चंद जी अहमदाबाद, धर्मचंद जी नागेश्वर तीर्थ मंदिर और पंडाल में विराजमान गुजरगान माता शक्ति युवा शक्ति सभी भक्तजन, सभी प्रकार के हमारे पत्रकार बंधुओं भाई और बहनों नौजवान छात्री, श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रोमा सेंटर के शुभारंभ अवसर पर भागवत कथा महोत्सव के शुभ अवसर पर मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज जहाँ हजारों की तादाद में भक्तजन बैठे हैं, माता शक्ति बैठी हुई, मेरी माताएं बहनों बैठी हुई है, मुझे गर्व होता है क्योंकि जो भागवत कथा है उसके बारे में जब आप श्रवण करते हैं इतनी बड़ी संख्या में आकर के, तो वो लाभ प्राप्त होता है, वो शांति मिलती है, आत्मा को सही मार्ग चलने का संदेश मिलता है। और जो गुरु जी खुद आकर के कमल किशोरी महाराज साहब तो अभी है नहीं, उन्होंने बहुत शानदार काम किए। मैंने सुना गौशाला दो सौ बारह संतरण जबरन को मध्य प्रदेश में, उनका अपना एक संदेश है भक्तजनों को, जिस प्रकार से प्रमोद जैन भाई जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। एक तरफ तो भागवत कथा और दूसरी तरफ तो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आज आने का मुझे सौभाग्य मिला, पशु पक्षी हॉस्पिटल वो मोबाइल चौपाशन। मैंने मेरे जीवन में पक्षियों के लिए सारे पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं देखी है मेरे जीवन में। पक्षियों के लिए भी मनुष्य की तरह ओपनिंग थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, फोनोग्राफी हो, एक्सरे मशीन हो, दवाई का प्रबंधन हो, सारे टेस्ट हो, ये तो कमाल कर दिया। प्रमोद भाई मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं उर्मिला जी को तमाम परिवार के लोग और जो इस संस्था में जुड़े हैं पक्षियों की सेवा करूँ। आप सोच सकते हैं ये बगैर जीव दया के, बगैर पक्षियों के प्रति प्रेम भाव दया भाव अगर मन में नहीं है पशु पक्षी के बारे में, पशुओं के बारे में भी, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। 20 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर, ये प्रमोद जैन भाई जी ने गौशाला का उद्घाटन कराया मुझसे, लगातार एक के बाद एक दो तीन गौशाला बनाए यहाँ पर, और आज तो अद्भुत काम देखा मैंने। हालांकि मैं 2-3 महीने पहले आया था, जगह देखे गया था, तब मुझे अंदाज लग गया था कि ये काम आने वाले वक्त में वो विस्तार लेगा, पूरा कैंपर बनेगा पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, शायद उसके बारे में कुछ सोचता भी नहीं होगा। इसमें तमाम माताओं को, बहनों को और भाइयों को, बहनों को नमन करता हूँ कि आप बहुत यहाँ आकर के आप
हमेशा जो भागवत कथा सुनते हैं, गाय विषयों के प्रति आपके दिल में दया भाव है, गाय माता हम कहते हैं, मुझे भी गर्व होता कहते हुए कि जब मैं दूसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना था, तब हिंदुस्तान में पहली बार मैंने गायों का निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने बना दिया, विभाग बना दिया। आज राजस्थान वो राज्य है जहाँ गायों का अलग विभाग बना हुआ है, उसके मंत्री प्रमोद जैन भाया को बनाया गया। इतना मानेंगे कम से कम मेरी पहचान जो है, मेरी पहचान गौ सेवा का विभाग किसको देना चाहिए, इतना मानोगे ना कि मैंने सही व्यक्ति को ये गौशाला विभाग दिया है। कुछ अंदाज लगा लीजिए उसी ढंग से काम करने, 1,40,00,000 या 56,00,000 नंदीशालाओं के लिए, 1,00,00,000 के लगभग गौशालाओं के लिए पंचायतों बनाना, ग्राम पंचायत बनाना, और मैं अपील करना चाहूँगा कि हमने वैसे प्रमोद जैन भाई सब बातें बोल चुके हैं, मुख्य वक्ता के रूप में तो सब बातें बोल चुके हो, अब हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो जो बातें वो बोले हैं उन ध्यान रख लो कि हमारा काम चल जाए। हमें तो खाली इतना ही कहना है कि ये पीछे पड़े रहते हैं, कैसे नंदीशालाएं बने, कैसे अधिक से अधिक गौशालाएं बने, अनुदान उनको मिले, वो कमी नहीं रख रहे हैं। इस बार 1,000 करोड़ रुपये मैंने रखा है बजट के अंदर रखा है, उससे अधिक खर्च होगा। और साथ में जो हमने अभी लंबी रोग में जो गाय मर गई थी, आपने सुना होगा, मेरे कार्य हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट करी थी, आप कोरोना की तरह ही लंबी रोगों को भी घोषित करें राष्ट्रीय आपदा, और उन्होंने किया भी, क्योंकि उसके करने से हमें लाभ मिल जाता, ऑटोमेटिकली गोपालकों को इमदाद मिल जाती। जब नहीं किया तो मैंने बजट के अंदर जो गौ माता का ध्यान दोगे मृत्यु हो गई है, उनको प्रति गाय जो मृत्यु हुई है उनको 40,000 में देने का मैंने घोषणा करी। और जो आपको जाकर खुशी होगी, इसके अलावा तमाम दुधारू पशुओं का भी मैंने बीमा करवा दिया, और प्रति परिवार में 2 पशु जो है दुधारू उनका भी 40,000 का बीमा कर दिया, जिससे कि अगर कोई कारण से मृत्यु हो जाती है गाय की, उस परिवार को सम्मान मिल जाएगा 80,000 रुपये तक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि गौ माता गौशालाएँ के प्रबंधक जो हैं वो भक्त हैं, इस मौके पर ये मौका बहुत सुकून का मौका है, ये मौका कमल किशोर नगर महाराज साहब तो नहीं है, उनके पुत्र जो है यहाँ बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये मौका है हम सब के लिए कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री प्रभु जी नागर साहब को आप लोग सब सुनेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि उनके और भक्तों के बीच में ज़्यादा खड़ा होना उपयुक्त नहीं, इतने मैं खाली इतने कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त के अंदर भी आप निश्चिंत रहें, जो हमने बजट पेश किया है और एक के बाद एक जो घोषणा करी है, आपको जाने के घर होना चाहिए प्रदेशवासियों को भी। एक तरफ तो मैंने कहा कि सरकार ने जब से देना शुरू किया अंदाज गौशालाओं को 9 महीने का भाव देने का, और जो प्रमोद जैन भाई की सपना है, इच्छा है कि हर पंचायत में गौशाला खुल जाए, नंदशाला खुल जाए, आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो जाए, उस ढंग के लोगों को आगे आना चाहिए। और सरकार ने जब से इमदाद देनी प्रारंभ किया उसको स्वागत तो सबने किया, पर आगे आने में अभी और लोगों की जरूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा। तब जा करके
जिस प्रकार हमारे मंत्री जी चाहते हैं उसी ढंग का जाल पूरे प्रदेश में बिछ पाएगा और गौ बन की रक्षा हो पाएगी। हमने जो घोषणा की है बजट के अंदर उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपको पूरे प्रदेशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी 5 लाख का बीमा है, वो भी 20% लोगों के लिए है। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए पहले 10 लाख का बीमा किया था और 25 लाख का बीमा कर दिया पूरे प्रदेशवासियों के। प्रदेश में कोई भी गांव में डाणी में गरीब हो अमीर हो कोई हो बंदिश किसी के लिए पूरे प्रदेशवासियों के लिए 25 लाख तक का इलाज सरकार करवा रही है। इतना बड़ा फैसला हिंदुस्तान में नहीं संभवत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ओबामा गेम शुरुआत अमेरिका में वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमने कामयाब करके दिखाया 10 लाख का बीमा और यहाँ 90% अधिक लोग जुड़ चुके हैं उससे। पूरे देश में कहीं भी कल 20% 30% गुजरात में 44% तक की है। तो कहने का मतलब कि हमने एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, एक के बाद एक हमने आपके उपभोक्ताओं के लिए पहले 50 100 यूनिट फ्री कर दिए बिजली की। एक और लोगों को लाभ मिलेगा, बिजली का बिल नहीं आएगा किसी के भी लोगों के लिए। एक और लोगों का किसे कहते हैं बिजली का बिल आएगा ही नहीं आपके, निःशुल्क आएगा। किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री कर दिए। पहले 1000 भी देते थे हम लोग तो 9 लाख किसानों का बिजली का जीरो आता था, अब तो 11-12 लाख किसानों का जीरो बिल आएगा। इस प्रकार से हमने 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशुल्कजनों को हम पेंशन दे रहे हैं। अब मैंने घोषणा करी मेरे 500 रुपये मिलते थे कई लोगों को, 750 मिलते थे, अब मैंने कहा 1000 रुपये कम किसी को नहीं मिलेगा। पेंशन 1 करोड़ लोगों को मिल रही है, 1000-1000 से अधिक मिलेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो फैसले किए हैं उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। और तो उज्ज्वला योजना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खूब प्रचार किया उसका, गरीबों को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने का फ्री दिया। एक बार उनकी ऐसे तो नहीं, वो 400 रुपये में बढ़ के कीमत हो गई 1040 रुपये सिलेंडर की, फिर लोगों ने लेना बंद कर दिया है। मैंने उन लोगों के लिए जो गरीब है उज्ज्वला योजना के बीपीएल से है उनको मैंने घोषणा करी, उनको 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा 1 अप्रैल से 500 रुपये। इस प्रकार से हमने कई अद्भुत काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि लंबी फहरिस्त है बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तो भावित कदा सुनने आए हैं। यही बात कहता हूँ मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रमोद जैन भाई जी को मैं कहना चाहूँगा, आपका पक्षों के प्रति के साथ साथ पक्षियों के प्रति जो तो प्रेम मैंने देखा है उस समय बहुत मुझे बहुत पसंद आया, जिनका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और ये सेवा जो कर रहे हो मैं समझता हूँ कि पूरी मानवता को संदेश जाएगा। तो मैं कहीं जाता हूँ मंदिर में या कहीं पर भी पूरे स्थल पर, मैं बचपन से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मुझे बिना मांगे हुए प्रदेशवासियों ने सब कुछ दे दिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, सिर्फ ज़्यादा मुझे क्या मिली। परंतु ये मैं कहना चाहूँगा, मैं कहीं जाता हूँ पूजा स्थल पर तो मांग करता हूँ, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र है जीव मात्र है उसका कल्याण हो, ये मेरी बात हो। मुझे खुशी है कि आज पक्षियों की भी सेवा करने का संकल्प भाई जी ने लिया है और मानव लोगों के लिए, मनुष्य के लिए जो व्यवस्था होती है अच्छे अस्पताल के अंदर, वही शानदार व्यवस्था देख के मैं आशीष सकती हूँ, अभिभूत हूँ। ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।